हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉक चित्रायन में आपका फिर से एक वीडियो में स्वागत है। जैसे मैं बहुत सोचा कि बहुत ज्यादा गाड़ी दिखा लिया हो तो कुछ यूनिक होना चाहिए, तो मैं आपको आज जगदलपुर जा रहा हूँ। तो पूरा बालोद से जगदलपुर तक कैसे जाना है, वहाँ के लिए आप बालोद जाओगे तो दो रोड कटा हुआ है। दो रोड है जो आपको कुरूर होते हुए ले जाएगा और एक है खदान रोड दल्ली राजरा भानु प्रतापपुर। तो आपको मैं इस रोड से ले जाने वाला हूँ। गंगा मैया सामने है, उधर से जाएंगे तो चलते हैं। यहाँ सामने ही पेट्रोल पंप है और जस्ट बगल में ही गंगा भैया का मंदिर है, जो आप बहुत लोग आ भी गए होंगे पहले से ही, क्योंकि ये बहुत फेमस मंदिर है पुराना। ये इसके जस्ट सामने है तांडुला का है, जो यहीं से पानी कहीं भेजा जाता है। दुर्ग वर्ग सब कनेक्टेड है, यही है मंदिर। क्या नजारा है भाई, बाइक चला रहे हैं हमारे देवा भाई, देवा ब्लॉग, उसका भी वीडियो आएगा तो उसका चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ब्लॉग तो देवा करके है। आगे ये है, ये भी देखते हैं, सामने एक मंदिर है। बड़ा पुल है लंबा, देखो दोनों साइड से दिखा देता हूँ। नजारा तो व्यू तो अच्छा ही आता है यहाँ का। ये अपन जो जा रहे हैं ये है इधर से दल्ली राजरा भानु प्रतापपुर अंतागढ़, ये सभी जा सकते हैं इधर से। गोंदली वोंदी क्या, गोधेली क्या क्या गांव है इधर। ये बालोद में अभी अभी सुमित जंक्शन बना है, लेकिन अभी तो बंद है। अब पता नहीं यहाँ का मार्केट शायद मंगलवार को यहाँ बंद रहता है लगता है। आगे आपको बस स्टैंड भी है सामने ही थोड़ी दूर में। ये है बालोद को पूरा दिखा देता हूँ मैं आपको, बालोद कैसा है क्या है। बहुत बड़ा है बालोद भी, बहुत पहले से डेवलप हो चुका है। यहाँ भी बहुत बड़े बड़े भवन हो गए हैं पार्टी तो। ये देखो ये नौकार वाला इलेक्ट्रॉनिक नौकार का दुर्ग में भी है। यहाँ पानी स्टार्ट हो रहा है थोड़ा थोड़ा, देखते हैं, दुआ करना पानी मत गिरे। ये सामने मंदिर है, ये बालोद का नजारा है पूरा जितना अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये इसको बोलते हैं मिनी माता चौक करके है, ये पोस्टर लगा हुआ है। इधर जस्ट ये सामने पेट्रोल पंप है। ये है बस स्टैंड का, देखिए ये बालोद का बस स्टैंड है, ये भी बहुत बड़ा है, ये है नॉर्मल जैसा रहना चाहिए। यहाँ सुना हूँ कि ये साहू जलेबी एवं समोसा भंडारे बहुत फेमस है यहाँ का बालोद का। अब आगे निकलते हैं। ये कलेक्टर निवास है ये सामने ही। आगे कॉलेज है, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है बालोद का।
भीड़ भी है। कोतवाली थाना है बालोद का। यही कॉलेज है, यहाँ का महाविद्यालय कॉलेज जो गर्ल्स हॉस्टल है ये सामने। और आगे एक और है जिसको आपको घूमना होगा, यहाँ से जाता है सुपर डैम की ओर। चलो चलते हैं आगे, पूरा रोड दिखाते हैं। यहाँ से हम मुड़ने वाले हैं लेफ्ट की ओर, एक जाता है राजनांदगांव और एक जाएगा हमको अंतागढ़ दल्ली राजरा भानुप्रतापपुर, जहाँ आज हम जा रहे हैं। रोड तो एकदम इधर खदान वाला रोड है, बहुत दिक्कत भी होता है। ये काम चल रहे हैं रोड का भी, आगे थोड़ा देखते हैं और क्या क्या है। ये जस्ट एक पेट्रोल पम्प है, यहाँ पेट्रोल डाला लेना अगर आप आगे जा रहे हैं तो, और नहीं मिलेगा। ये यहाँ से आपको बोर्ड में लिखा हुआ है भानुप्रतापपुर कांकेर जगदलपुर अंतागढ़ करके, ये दल्ली राजरा है। आपको ये जस्ट देखिए मार्केट वगैरह है दल्ली राजरा का। इसका हो सके आप कमेंट करो तो इसका अलग से दल्ली राजरा में भी दिखा दूंगा आपको, लेकिन आप ज़रूर कमेंट करके बता देना। ये देखिए और वीडियो क्वालिटी कैसा है ये ज़रूर बताना भाइयों। के सामने देखते हैं चौक, कौन सा चौक है, ये लिखा हुआ है आपकी शहादत को लाल सलाम करके, झंडा लगा हुआ है, मूर्ति है। और ये आगे ये पुल है हमर दिल्ली राजरा, ये लिखा हुआ है। इसके बाद थोड़ा स्पीड्स में ले जाएंगे अब बाइक को। ये सामने एक और चौक है, ये इधर आपको मुड़ना नहीं है, सीधा ही जाना है हमको। ये चौक में भी लिखा हुआ है शहीद वीर नारायण सिंह का चौक है। यहाँ से सामने आपको देखकर जाना पड़ेगा क्योंकि सामने पहाड़ है, बड़ी बड़ी ट्रेलर गाड़ियाँ आते रहते हैं। नज़ारा तो इतना मस्त है दोस्तों कि यहाँ आपको जितने आगे हम जाते जाएंगे वहाँ का नज़ारा आपको अलग ही देखने को मिलेगा। इधर देख सकते हैं इधर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती रहती है, और इधर जस्ट अब बगल में देखिए कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, चट्टाने हैं, तो थोड़ा इधर देखकर ही गाड़ी चलाना। यहाँ से ये बोर्ड में लिखा हुआ है यहीं से कच्चे गाँव भानुप्रतापपुर डोंडी लोहारा जाता है, जो ये बड़ी गाड़ी करते हैं। इधर से हमको सीधे ही जाना है बड़ी गाड़ी की साइड में से। अब ये देखते हैं बहुत डेवलप हो गया है पहले से, जितने देखो गांव वगैरह बड़े बड़े शहर में डेवलप हो चुके हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन गए हैं। और ट्रक तो इतने चल रहे हैं इधर पूछो ही मत। ये इधर बोर्ड में और लिखा हुआ है, देखते हैं क्या क्या है। नारायणपुर 149 किलोमीटर है, जगदलपुर 224 है अभी यहाँ से। ये रोड तो देखो, ये है भानुप्रतापपुर का एंट्री मारने वाले, और रोड को देखो भाई, देख कर अंकल देख के देखते हैं बहुत ज़्यादा। ये देखिए खदान जाने वाला रोड है, धीरे से जाते हैं, जस्ट आपने देखा होगा राइट साइड में। ये सामने से बस बाबरी कितने साइड से गया। यहाँ से हम भानुप्रतापपुर एंट्री कर रहे हैं, और यहाँ देखिए यहाँ का भी डेवलप बहुत ज़्यादा है, और भानुप्रतापपुर नाम से ही लेकिन उतना डेवलप नहीं है। आपको यहाँ का वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर देना, यहाँ का वीडियो भी है पुराना, आपको ऊपर सजेशन पे ज़रूर दे दूँगा। ये देखिए वैसे बहुत ज़्यादा ही डेवलप है बोलो तो भानुप्रतापपुर भी पहले से,
ये साइड में देखना है आपको, कुछ तरह दिखाते हैं इधर कि कुछ इतने भी ज़्यादा अच्छे अच्छे देखने को मिलेगा आप अगर भानु प्रतापपुर घूमोगे तो। बाकी इधर बस स्टैंड आने जाने के लिए सुविधा बहुत है, बस चलते ही रहता है। और यहाँ लेकिन एक ही पेट्रोल पंप है, सही बता रहा हूँ, एक ही पेट्रोल पंप है। ये सामने बस जा रहा है और बस्तर ट्रेवल्स लिखा है। सामने में ही भानु प्रतापपुर का मस्त जो चौक है वो अच्छा लगता है मेरे को, यहाँ जब भी मैं आता हूँ देखने के लिए अलग ही रहता है। तो आप भी, आप देखना अभी वीडियो में सामने ही जस्ट जो चौक का नज़ारा है उसका, अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो ज़रूर बतानी। जो सामने लिखा हुआ है अमर भानु प्रतापपुर, ये बस अड्डे। हम पहुंच गए अंतागढ़। ये देखिए उसका है मूर्चित, मुझे भी पता नहीं उतना सही क्या लिखा है, अंतागढ़ किस लिए फेमस है उतना इसका हिस्ट्री देखना पड़ेगा। आज आप अगर आप अंतागढ़ आ चुके होंगे या फिर आप यहीं के होंगे तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हो सके इंस्टाग्राम में कर देना या फिर आप मुझे वीडियो में ज़रूर कमेंट कर देखते हैं। इधर का रास्ता मेरे को समझ नहीं आ रहा है किधर जाना है एक्चुअल, सामने चौक है तो किधर जाना है देखते हैं, पहले उस साइड ही चलते हैं लेफ्ट की ओर, पता चलेगा। ये चौक चल अभी अभी बना है ऐसा लग रहा है, मैं तो ऐसे आया नहीं हूँ यहाँ कभी, देखते हैं। इधर तो मार्केट लगी हुई, तो शायद हम गलत आ गए हैं, मुड़ते हैं, अपने को उधर ही जाना था, तो आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ क्या क्या है देखने के लिए। वैसे अच्छा डेवलप, सामने शायद मस्जिद है, ये आगे चलते हैं और भी मस्त। सो ये मार्केट एरिया है, अभी राखी का सीज़न भी आ रहा है तो शॉप लगा हुआ है, जगह जगह दुकानें लगी हुई हैं। ये सामने मंदिर है भाई, आगे का रोड कैसा है यहाँ का देखते हैं। सही है यहाँ का रोड इतना ख़राब नहीं है, ये थोड़ा बहुत ख़राब है। अरे थोड़ा बहुत क्या, सामने तो बहुत ख़राब है, देखते हैं। ये गड्ढे में बच गए भाई, आगे चलते हैं, देखते हैं बच गए हैं, अभी गिर गया था, दोनों गिर से पीछे वाला भी गिर गया था दिया। चलो आगे चलते हैं, अभी शायद स्कूल अभी अभी खुला हुआ है, आगे देखते हैं और क्या क्या देखने को मिलता है यहाँ का अंतागढ़ में। से भीड़ है इधर बहुत, ये आगे है ये चौक, यहाँ से आपको हमा बेड़ा और एक नारायणपुर जाएगा जो 50 किलोमीटर, बोर्ड ही देख लिए, यहीं से हमको जाना है। ओ भाई इधर का क्या गाड़ी चल रहा है, क्या ले जा रहे हैं इसमें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इसमें, और रोड तो एकदम ज़्यादा चौड़ा नहीं है इसलिए डबल गाड़ी एक साथ चलना बहुत मुश्किल है इधर। देखते हैं ये गाड़ी कहाँ तक हमको साथ में ले जाता है। यहाँ का वातावरण देखो भाइयों, यहाँ जो मैं पहली बार जा रहा हूँ लेकिन बड़ा ही मज़ा आ रहा है जो वातावरण यहाँ का देखने को मिल रहा है। आप ज़रूर जाइएगा इसी रोड से, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इधर भी बोर्ड में लिखा हुआ है नारायणपुर 45 किलोमीटर बचा हुआ है, आगे देखते हैं और क्या क्या नज़ारा देखने को हमको मिलता है। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है, वातावरण मस्त है। वाह इधर तो और नज़ारे मस्त हैं, स्कूल से आ रहे हैं सभी भाइयों बहन लोग। जो मैं सोचते आया नदी आखिर मेरे को मिल ही गया, बहुत ही क्या नज़ारा है। यहाँ जरूर आइएगा तब, जरूर यहाँ एक बार जरूर रुक लेना। अब आगे और देखते हैं क्या क्या है। ये देखो कितना सकरा है रास्ता, पानी थोड़ा गिरा हुआ है अभी, ये डस्टर जा रही है। देखिए दो गाड़ी एक साथ जाना बहुत मुश्किल है, इधर घने जंगल हैं, ओवरटेक कर ही रहे हैं।
जा ही नहीं पा रहा भाई, शायद वेन को खींचते हुए ले जा रहा है, ख़राब हो गया होगा। लेकिन जंगल तो बहुत ही ज़्यादा घन है और यहाँ का जो नज़ारा है बहुत मज़ा आता है। इधर आप ज़रूर आइएगा इधर। ये देखिए अभी तक मेरे को आगे जाने नहीं दे रहे हैं ये लोग भी ना, ये डस्टर जा पा रहा है। देखते हैं कितना दूर तक आगे जाने मिलेगा। अब ये बोर्ड में देखते हैं, यहाँ से जगदलपुर 129 बचा हुआ है, कोंडागांव 59, 7 किलोमीटर, नारायणपुर बचा हुआ है। आगे देखते हैं और क्या क्या मस्त नज़ारा देखने को मिलता है। अब ये बाप रे, ये नज़ारा है कि क्या है, खतरनाक, जहर बोल सकते हैं, जहर भाई। आगे और देखते हैं। अब भाई आखिर नारायणपुर पहुंची गए, डायरेक्ट नारायणपुर में मिला भी पेट्रोल पंप, देख सकते हैं मैंने आपको कहाँ बताया था और अभी पेट्रोल पंप मिल रहा है। बहुत मुश्किल से बीच में मिला था लेकिन वहाँ पेट्रोल नहीं था। देखते हैं यहाँ क्या क्या देखने को मिलता है अपने को। ये अपन पहुंची गए नारायणपुर, यहाँ देखते हैं क्या, इधर कौन सा रास्ता जाता है उतना तो मुझे पता नहीं। यहाँ से सामने है टेम्पो स्टैंड, अगर आपको कहीं जाना होगा यहाँ से तो आपको मिल जाएगा नारायणपुर में, यहाँ पर अगर आए रहेंगे तो। और आगे देखते हैं ये क्या है आगे, ये अब देखो पुलिस मैडम खड़ी हुई है, ट्रैफिक। ये आगे नारायणपुर का ये मेन चौक है। अब आगे देखते हैं और क्या क्या देखने को यहाँ मिलेगा। भी बहुत डेवलप है, नारायणपुर का नाम भी मैंने बहुत सुना था। आखिर अच्छा ही लग रहा है मेरे को। इसका वीडियो चाहिए होगा तो मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर बना दूंगा, आप मुझे कमेंट कर देना। नारायणपुर भी बहुत अच्छे अच्छे घूमने की जगह है, यहाँ टूरिस्ट प्लेस के लिए बढ़िया है। अच्छे रोड वो सब बने हुए हैं, अगल बगल शॉप लगी हुई है, दुकानें लगी हुई हैं। और क्या क्या है देखने को यहाँ, सामने देखते हैं ऐसे गाड़ी वाड़ी तो बहुत, मार्केट एरिया होगा ये चौक वाला। यहाँ से बाइक मैंने बहुत स्पीड कर दिया लेकिन आप स्पीड नहीं चलाना भाइयों। यहाँ बाकी सभी शॉप लगी हुई हैं, मैं आपको जल्दी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वहाँ पहुँचते तक रात ना हो जाए। आपको सभी एरिया कवर करते हुए दिखाना है मेरे को जगदलपुर तक। आगे तो अभी और घना जंगल है। ये मेन रोड, ये भी यहाँ शॉप वगैरह लगा हुआ है, दुकानें लगी हुई हैं, नारायणपुर ही है ये भी, आप कन्फ्यूज नहीं होना। आगे चलो और आपको दिखाते हैं, ये भी यहीं चौक पे लगा हुआ है शॉप वगैरह, मोबाइल दुकानें। जैसे मैंने बोला ये सामने मंदिर है तो यहीं एक थोड़ा अच्छा कुछ बन रहा है घूमने उमने लायक। सामने देखो भोलेनाथ का मूर्ति है, कि मैं आपको बता बहुत ही विशाल लगता है, अगर आप यहाँ आओगे सामने देखोगे तो बहुत अच्छा है। हमने यहाँ नाश्ता कर लिया और ये सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, इधर से भी कहीं और जाता है गांव वगैरह, लेकिन उधर से नहीं जाना है हमको। हमको ये सामने जो रोड दिख रहा है, गाड़ी आ रही है, उधर से जाना है। तो इधर आगे का और नज़ारा वातावरण देखते हैं और यहाँ ज़रूर नाश्ता कर लेना, बाबा एक नंबर बनाते हैं। यहाँ जगह जगह चेक पोस्ट, हम डर रहे थे कि कहीं रोक ना दे। आगे देखते हैं, रोके तो शायद पता चलेगा आपको, मैं ज़रूर बताऊंगा रोकेगा तो। एक बड़ा सा पुल बना हुआ है, देख रहे हैं कितना लंबा पुल है। यहाँ गाय तो
थोड़ा बहुत हिलेगा क्योंकि शाम हो गया है, वीडियो क्वालिटी में थोड़ा जरूर फर्क नजर आएगा आपको, लेकिन आप थोड़ा HD करके जरूर देख रहे हैं। नदी बहुत ही लंबा है। हम रात में रुके थे कोंडा गांव में ही, करीब 6:30-7 बजे गए थे, और ये मेन रोड है। आप जैसे ही गांव से अंदर अंदर आए हैं ना हम लोग अंतागढ़ नारायणपुरा, तो ये मेन रोड है, यहाँ से पूरा मेन रोड तक जगदलपुर जाएंगे। तो यहाँ कोंडा गांव का वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका वीडियो आपको ज़रूर अपलोड करूँगा। तो आगे इसका दृश्य पूरा देखते हैं कोंडा गांव का। कोंडा गांव का दृश्य बहुत ही अलग लगा, लेकिन मेरे को जिस हिसाब से कोंडा गांव करके नाम है ये बहुत मेरे को अच्छा ही लगा, दुर्ग जैसा डेवलप लगा। आगे देखते हैं जगदलपुर कैसा, पहले बार जा रहा हूँ मैं इधर। कोंडा गांव भी और आ चुका था लेकिन बचपन के टाइम में आया था। ये जो नज़ारा देख रहे हैं ये शाम का सुबह का टाइम है, सॉरी सुबह का है, लेकिन ये जो नज़ारा देखिए कितना मस्त तिरंगा लहरा रहा है, अगल बगल गार्डन बना हुआ है। तो आप यहाँ ज़रूर रुक जाना, मैं तो थोड़ा देर के लिए रुक रहा हूँ, फिर आगे आपको ले जाऊँगा। ये कोंडा गांव का है जिला चिकित्सालय, अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ आप जरूर देख लेना जिला चिकित्सालय, इलाज विलाज ट्रीटमेंट के लिए ये बहुत अच्छी सुविधा मिलता है। यहाँ जो सुबह का व्यू है वो बहुत ही अच्छा लगा है मेरे को। ऐसे ज़्यादा दूर नहीं बचा हुआ है, बोर्ड में आप देखे होंगे, आगे और देखते हैं क्या क्या देखने मिलता है। बहुत मज़ा आ रहा है भाइयों, आप एक बार ज़रूर आइएगा इस रोड में, जो मेन रोड से और मज़ा आ रहा है, पानी गिर रहा है करके, ठंडी तो बहुत लग रही है सुबह सुबह। आगे देखते हैं और क्या क्या देखने को मिलता है, तो आनंद आ रहा है, लीजिए आप भी। यहाँ तो मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है, यहाँ से देखो बोर्ड में 311 किलोमीटर विशाखापट्टनम दिखा रहा है, ज़्यादा दूर नहीं है, चलो चलते हैं। चलो मजा तो लो आप भी, टूर ट्रक आ रहा कैसे निकला जाए, इधर खुज गया, कितने चिपका के निकालते हैं इन लोग, क्या बताया जाए। सामने और बोर्ड लगी हुई है, इसमें देखते हैं कितना किलोमीटर अपना बचा हुआ है पहुंचने के लिए। ये लिखा है जगदलपुर 25 किलोमीटर, ज़्यादा दूर नहीं है अब। और यहाँ से भी देखते हैं, इधर सामने शायद अपन पहुंचने ही वाले हैं, एंट्री है शायद जगदलपुर के लिए। पूरा मज़ा तो बहुत आया, पानी बहुत गिर गया सुबह सुबह, लेकिन आनंद बहुत आया, पानी गिरा तो ठंडी लगी। ये शायद एंटर है, अपन आगे और देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है जगदलपुर में। ये हो ही गया एंटर आखिर, ये है मार्केट वगैरह लगा हुआ है जगदलपुर में। यहाँ का आपको अलग से वीडियो चाहिए होगा तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट कर देना, क्योंकि जगदलपुर बहुत ज़्यादा डेवलप है। ये इधर से और कुछ कुछ लगी हुई है शॉप वगैरह, बाकी पानी गिरता तो फिर मज़ा ही अलग रहता है पानी के मौसम में। आपको पसंद है कि नहीं पानी, वो आप मुझे ज़रूर बताना। तो इधर सामने एक बोर्ड नज़र आ रहा है, क्या लिखा हुआ है वो भी देखेंगे, देखते हैं आखिर इसमें लिखा क्या गया है। कुछ है लिखा हुआ है, कहीं आने जाने के लिए मार्ग है। ये कितना भीड़ चल रहा है, सुबह सुबह काम में जा रहे हैं लोग, कोई घूम रहा है। तो इधर जंगल वंगल इलाका बहुत है, लेकिन यहाँ जगदलपुर मेरे को देखते हैं कैसा लगता है तो पता चल जाएगा। इंटर ही हुआ है, देखो इतना दूर से इंटर है, अभी तक हम लोग मेन जगह नहीं पहुँच पाए हैं। देखते हैं इस बोर्ड में क्या लगा हुआ है, तो मज़ा आएगा। दंतेवाड़ा 110 किलोमीटर दिखा रहा है इसमें, आगे और कुछ बोर्ड में इसमें लिखा हुआ है तीरथगढ़। तीरथगढ़ का आपको वीडियो चाहिए होगा तो जल्दी कमेंट कर देना, उसका भी वीडियो आ जाएगा भाइयों। ये देखते हैं, क्योंकि यहीं हूँ तो मैं वहाँ भी चले जाऊँगा जल्दी से जल्दी। देखते हैं यहाँ का और क्या क्या, ये शायद मेन चौक पहुँच ही गए,
ट्रैफिक वगैरह पुलिस पकड़े ना, वैसे सब तो है अपने पास। तो सिग्नल है, सिग्नल देखते हैं आगे और क्या। आकाश का कलर देखो बहुत अच्छे लग रहे हैं आके मेरे को। यहाँ करीब 2-3 दिन तो रुकना ही होगा। लेफ्ट लेते हैं, घूमते हैं जगदलपुर, थोड़ा सा आपको दिखाई देते हैं क्या क्या है। तो ये देखिए, ये लिखा हुआ है महाराणा प्रताप करके। थोड़ा और व्यू दिखाते हैं जगदलपुर का आपको। मतलब थोड़ा भीड़ वाला एरिया है, मतलब शहर है ये तो भीड़ वाला। और बाकी बड़े बड़े अधिकारी वगैरह आपको देखने को मिलेंगे घर। आपको सेकंड हैंड बाइक के लिए, आपको वीडियो नहीं देखे होंगे तो ज़रूर चल जाना, मेरे चैनल में मिल जाएगा। यहाँ का वीडियो अपलोड हो चुका है, पहले ही कर दिया था। देखते हैं और क्या क्या है। तो इधर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, सामने ऑफिसर है पुलिस रमेश करके लिखा हुआ। ये जो पुलिस ग्राउंड है, यहाँ कुछ प्रैक्टिस वगैरह चल रहा है शायद तक। अभी 15 अगस्त आ रहा है उसके लिए। पानी तो बहुत ज़्यादा गिर गया सुबह सुबह। इधर दिखे हैं और क्या क्या है। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में निकले हैं कई लोग। ठीक है, यहाँ 10-11 बज ही गया है अभी पहुँचते। ये और क्या बना हुआ है, शायद मेन इंटर है ग्राउंड के लिए, एंट्री है। अभी पूरी तैयारी चल रहा है, देख सकते हैं वीडियो में। बाकी मज़ा तो बहुत आ रहा है यहाँ। और कहाँ कहाँ घुमाऊँगा आपको जब कमेंट कर देना कहाँ कहाँ घूमना है यहाँ। तो चलो, वैसे ये जगदलपुर तो इंटर कर ही गए हैं।